तो दोस्तों मैं आया हुआ हूँ थोड़े से पकौड़े लेने के लिए, और क्रेगीबन में एक नया ये खुल गया बाबा स्वीट्स के नाम से है। बहुत अच्छे स्नैक्स मिलते हैं यहाँ पर गाइस। तो अगर आप लोग भी मेलबर्न क्रेगीबन में हो, नॉर्थ वेस्ट एरिया में हो, तो यहाँ पर आइए, इंजॉय कीजिए स्नैक्स को। तो ये है भाई बाबा स्वीट्स, सारे मिठाइयाँ हैं, सब कुछ यहाँ बहुत ज़बरदस्त है, सारे स्नैक्स बहुत अच्छे हैं। और ये है हमारे अमन भाई। कैसे हो अमन भाई, ठीक ठाक? सब बहुत बढ़िया सर। बधाई हो पहले तो आपको बहुत बहुत इस वेन्यू के लिए। थैंक यू। करता धरता यही यहाँ पर यही है, और मैं आया हूँ यहाँ पर, या हमारी फैमिली से कोई भी आता है वो इन्हीं की वजह से यहाँ पर आता है। और बाकी टेस्ट तो अच्छा है ही है, और साथ में भाई का प्यार भी है। तो कॉन्ग्रेट्स भाई वंस अगेन। थैंक यू भाई। अमन भाई ने बहुत बढ़िया दही वाले गोलगप्पे, दही सौंठ वाले बनवाए हैं, बहुत यमी। क्या बात है अमन भाई, थैंक यू वेरी मच। हेलो, हाउ आर यू? हेलो हेलो, बस जीते रहो जीते रहो जीते रहो जीते रहो, खुश रहो। वेरी गुड। क्या हाल है सर? नमस्कार सर, बड़े लंबे समय के बाद कैसे हैं भाई साहब? बहुत समय बाद मुलाकात हुई है जी। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? कितने, दो तीन साल हो गए? चार साल। भाई इतना लंबा इंतजार क्यों करवाया? तुम्हें मिलिए, ये हमारे भाई साहब हैं तत्ती जी के पापा, और ये है तत्ती जी की बड़ी सिस्टर, लगती बड़ी सिस्टर है, मम्मी है उनकी ये। और तत्ती जी आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम रिश्ते में साधु लगते हैं, कैलकुलेशन कर रहा था, हम साधु भाई है। स्प्रिंग रोल बनाओगे थोड़ा सा? नहीं, वो ये वाला खाना है, ये वाला विवान ब्लैक वाला का बहुत अच्छा है, बहुत टेस्ट तो कर, बहुत टेस्टी है। घेवर इंडिया से आया भाई, ये हमारा यूपी का बहुत ही फेमस चीज है ये। नहीं, ये यूपी का, मेरठ वाली साइड का, मेरठ सहारनपुर उधर वाली साइड का जो है, घेवर बहुत फेमस है ये। बता दो उत्तराखंड का है यूपी का? नहीं नहीं, जो घेवर डिश है अपने आप में ये यूपी की है ना, जो घेवर डिश है ये अपना मेरठ सहारनपुर रोड की इधर की डिश है, जो फेमस है बहुत ज्यादा। हाँ, उधर की डिश है ये, और बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। हाँ जी, हाँ जी। तो भाई हम बॉयज बॉयज चल दिए थोड़ा ड्राइव करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, टेस्ला में जा रहे हैं हम लोग सब लोग अब। तो भाई साहब इंजॉय कर रहे हैं बच्चों के बर्थडे की वीडियो को, सभी के डांस परफॉर्मेंस चल रही है, और साथ में हमारी डिनर की तैयारी चल रही है। अभी अब प्रिपरेशन स्टार्ट है। आज वंदना जी ने बड़ी बड़ी मेहनत करी है। आज क्या क्या बनाया वंदना जी? है मिक्स दाल बनाई है, मिक्स दाल है, पनीर है, व्हाट एल्स, राइस एंड बैंगन का भरता। बैंगन का भरता तुमने बड़ी जबरदस्त बनाया, कुछ भी बहुत ही अच्छा बना हुआ है। नहीं नहीं, अच्छा बना हुआ, अभी तुम्हारा खाना हमेशा अच्छा बनता है, कुछ भी कहो। तो जो भाई साहब हैं वो वंदना जी के जीजा जी लगते हैं, तो वंदना जी ने आज अपने जीजा जी के लिए स्पेशल इतनी तैयारी करी है। वंदना जी क्या बात है भाई, हल्दी का अचार स्पेशल निकाला है वंदना जी ने आज जीजा जी के लिए अपने। और कभी हमें ना पूछा, सुमित भाई दामाद को भी ना पूछा कभी, बोले नहीं जीजा जी आए आज, उनको हम हल्दी का अचार खिलाएंगे। ये देखो क्या बात है। और सुमित तो एक बार हल्दी की सब्जी बनवा रहे थे, याद है हल्दी की सब्जी? मजाक उड़ाई इनकी, मजाक उड़ाई, हल्दी की सब्जी बनती है। देखो देखो जी, सेवा चल रही है, देखो ये देखो सेवा चल रही जीजा जी की अपने, क्या बात है, बहुत बढ़िया। दामाद और पति की तरफ कोई ध्यान नहीं है आज, है ना? हमें तो अपने खुद हमें खुद खाना डालना पड़ रहा है अपने लिए, दामाद की हालत कर दी है। आज तो हमें खाना मिल जाए वही करी, वही बहुत है, वही करी। सही बात है। भाई खाना कैसा बना है देख लो, साली जी ने बनाया, तारीफ कर देना, है ना? मेहनत की बिल्कुल।
जीजा जी गला बैठ गया, ज्यादा बात नहीं कर पा रहे तुम सब वरना जी, है ना। पर भाई साहब कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, दिल लगा। दीदी दीदी जी कैसा लगा? वीडियो में है जी, बहुत टाइम बाद मिले भाई साहब, बहुत मजा आया, है ना। अब जल्दी मिलेंगे इंडिया में, है ना।